नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आज मैं काले चने का बेहद ही चटपटी सी रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कढ़ाई गरम कढ़ाई में डाले हैं काले चना, आधा कटोरी के लगभग डाले हैं। इसे अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक भून लेंगे। इस टाइम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनने में काला चना अच्छी तरह से भून जाता है। अगर तेज़ फ्लेम में भूनेंगे तो ऊपर से जल जाएगा लेकिन नीचे से भूनेगा नहीं, इसलिए इसे बहुत ज़रूरी है कि गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे ही भूनें। अब अच्छी तरह से जब काला चना भून जाए तो इसमें एक चम्मच के करीब सूखा धनिया डाल देंगे। आधे चम्मच के करीब गोटा जीरा डालेंगे। एक सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और सभी को फिर से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे भी कच्चापन निकल जाए इतना भून लेना। देख सकते हैं अच्छी तरह से भून गया है। एक ठो निकाल के चेक कर लेंगे, मुंह में डाल के देखेंगे तो आप खुद ब खुद पता चल जाएगा कि चना अच्छी तरह से भून जाए कि नहीं। लेकिन चना सारा चीज़ मतलब चना धनिया और जीरा अच्छी तरह से भून गया। अब इसमें डाल देते हैं कुछ और सामग्री, जैसे कि तीन लहसुन डाल देंगे, छील कर डालेंगे लहसुन को। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देते हैं। अब स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और सभी को 2 से 3 सेकेंड भून लेंगे। ज़्यादा भूनना नहीं, बस 2 से 3 सेकेंड। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा अच्छी तरह से हो चुका, अब इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में ले लेते हैं। नमक सारा ले लेंगे, कढ़ाई में जो लगा हुआ देख सकते हैं इसे भी ले लेंगे नमक को। ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। एक बार इस रेसिपी को जरूर घर पे ट्राई करें। देख सकते हैं सारे ले लिए हैं। अब इसमें डालेंगे ठंडा पानी। ये इतना पानी डालेंगे कि अच्छी तरह से डूब जाए। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आगे डालेंगे। इसे ढक्कन लगाकर पीस के लाते हैं। पीस के लिए हैं लेकिन पूरी तरह से पीसा नहीं है क्योंकि पानी ख़त्म हो गया, इसलिए 3 से 4 चम्मच फिर डाल देते हैं पानी और इसे पीस लेते हैं। पीस के लिए हैं, इसे निकाल लेते हैं एक कटोरी में। अब जार को भी पानी डालकर धो के ले लेंगे। जो चटनी लगा हुआ है उसे भी ले लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे जार में और इसे हिलाकर धोकर चटनी में मिला लेंगे। इस तरह से हिलाकर अच्छी तरह से सारा चटनी ले लेंगे। अच्छी तरह से चटनी को फेंट लेते हैं। अब ये रेडी है खाने के लिए। इसमें अब एक चीज़ और डालेंगे, आधी चम्मच छोटी चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल देते हैं इसमें।
ज़्यादा नहीं, आधी छोटी चम्मच डालेंगे बस। अब इसे अभी भी फेंट लेते हैं चटनी में। अब इसमें डाल देंगे नींबू का रस। नींबू का रस डालेंगे, दाना निकाल लेंगे। आखिरी में नींबू का रस डाल देते हैं, दाना गिर गया इसे निकाल लेते हैं। अब नींबू का रस को भी मिला लेते हैं चटनी में अच्छी तरह से। बस ये रेडी हो गया, चावल, रोटी, इडली, डोसा, किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। इसी तरह की टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लाती रहूँगी। देख सकते हैं बनके कितना अच्छा लगता है, खाने में उतनी अच्छा लगता है। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।